एंड यू आर वॉचिंग कमली रेन्स और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं शू एंड सैंडल्स हॉल एक डिफरेंट न्यू साइट से। आपकी रीमा आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइट्स एक्सप्लोर करती रहती है, सर्च करती रहती है कि कुछ डिफरेंट और नया मिल पाए जिससे आप लोग को थोड़ी हेल्प हो पाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक ऐसी ही साइट, वो है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। आप हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हुआ और कुछ लोग नहीं जानते हो, सो इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जान पाए। यहाँ आपको मिलते हैं क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज, मेकअप, नो मेकअप तो नहीं है अभी यहाँ पे, बाकी आप यहाँ पे क्लोथ्स ले सकते हैं, शूज ले सकते हैं, एक्सेसरीज ले सकते हैं। और मैंने यहाँ से जो परचेज किया है वो किए हैं शूज एंड सैंडल्स, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है या ये वीडियो एनी हाउ आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हो सके शेयर कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दीज आर माई शूज एंड सैंडल्स जो मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ऑर्डर किए हैं और अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स चेक वन बाय वन कैसे शूज़ हैं और आप लोग को पता नहीं पसंद आएंगे नहीं आएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट शूज़ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और यू कैन सी ये बहुत प्यारे विंटर शूज़ हैं, गोल्डन कलर में हैं, स्नेक प्रिंट है इनका, हील्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हील नहीं है इसकी, ब्लॉक हील है और बहुत कम हील है जो आप कंफर्टेबली कहीं भी पूरे दिन पहन सकते हैं। यहाँ पर आपको जिप की डिटेलिंग मिल रही है जो कि ईजिली आप जिस वजह से आप कैरी कर सकते हैं और विंटर में ये शूज़ बहुत अच्छे लगने वाले हैं, जब आप इनको पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और मैं जो आपको रिव्यू दे रही हूँ ये इन्हें पहनने के बाद दे रही हूँ, यू कैन सी ऐसा नहीं है कि मैं लिए और रिव्यू दे रही हूँ, नहीं मैंने इन्हें पहना है, मुझे कंफर्टेबल लगे इसलिए मैं आप लोग को इनका रिव्यू दे रही हूँ। काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, यू कैन बाय और विंटर में बहुत अच्छे लगने वाले हैं। साइज़ है इनका 41, प्राइस मुझे अभी इसका याद नहीं है, अगर इसका लिंक मुझे मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे ये सैंडल्स, सी ये है टाई अप सैंडल्स, इन्हें आप सैंडल्स को पहन के इनको टाई कर सकते हैं और ये आपको मिल रहा है बेज कलर में और बहुत ही प्यारी सैंडल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी सैंडल्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं ये और इन्हें भी मैं आपको पहनने के बाद रिव्यू दे रही हूँ। ये भी मैंने ट्राई कर लिए हैं और अच्छे से ट्राई किए हैं और तभी मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। यू कैन सी इन्हें देख के आपको लग रहा होगा कि अच्छे से पहन के ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ के लिए, और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं और इसमें जो ये आपको स्टेप मिलता है ये स्टेप की वजह से लुक बहुत प्यारा आता है और अभी बेज कलर तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है सो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपको हील्स मिलती हैं, ब्लॉक हील्स और बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं है, मतलब इतनी हील है कि बहुत कंफर्टेबली आप पूरे दिन पहन के चल सकते हैं। सोल की बात करूँ तो सोल वही सेम कंफर्टेबल है, मैंने पहनी है, पहनने के बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। यू कैन सी पहनी है मैंने, ट्राई किया है उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। और साइज़ मैंने आपको बता दिया, इसका साइज़ है इसका 40 और ये प्राइस के लिए मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसका चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय। नाउ देखते हैं हमारे थर्ड शूज़। सो ये मैंने अभी ट्राई नहीं किए हैं, ये मैं आपको विदाउट ट्राई किए इनका रिव्यू दे रही हूँ। दिस इज़ दी सैंडल्स, यू कैन सी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है यार, आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसपेरेंट स्टेप्स की सैंडल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपके जो हील्स होती हैं ये ब्लॉक्स भी ट्रांसपेरेंट होता है बट इसमें थोड़ा अंदर दिया हुआ है इन्होंने कलर और ये यहाँ आपको थोड़ा सा पिंक कलर मिल रहा है, अंदर यहाँ आपको बेज कलर मिल रहा है, ये आपको ट्रांसपेरेंट स्टेप्स मिल रही हैं और साइज़ है इसका 40 और सोल इसका कम्फर्टेबल है, हील इसकी कम्फर्टेबल है, यू कैन सी। तो मैं ज़्यादा हील्स नहीं पहनना प्रेफर करती कि गाइस जब कंफर्टेबल नहीं है तो पहन के कोई फ़ायदा नहीं है, कंफर्टेबल हो के एंजॉय कर पाते हैं सो वही चीज़ पहननी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो ये चीज़ अभी मैंने ट्राई नहीं की है बट पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। हाँ अब होल डे कैसा लगता है वो तो मैं आपको इन किसी और वीडियो में बताऊंगी बट वैसे बहुत सुंदर है, लुक वाइज बहुत ही प्यारी। यू कैन सी मेरा साइज 40 है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, लाइक ये वाला आप कलर चेंज कर सकते हो, बेज भी ले सकते हो, येलो भी ले सकते हो, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बेज मिल जाएगा, ठीक है। और इसका प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक आउट देयर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ सैंडल की। सो नेक्स्ट अगेन मैंने दोबारा से एक और जो मैंने मंगवाए हैं, नेक्स्ट फोर्थ सैंडल नहीं है शूज़ हैं, मैंने मंगवाए हैं बूट्स। सो ये हैं मेरे ब्लैक कलर के बूट्स, यू कैन सी दिस इज़ द
लॉन्ग नी बूट, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, नीज तक हैं। यहाँ आपको ये टाई करने के लिए थ्रेड मिल जाते हैं, इनसे आप टाई कर सकते हैं अपने थाइस तक ही आते हैं, नीज से ऊपर आते हैं थाइस तक। सो अगर आप चाहें तो इनको थाइस पे टाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको नीज पे टाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको नीचे थोड़ा सा रिंकल करके आप नीचे भी टाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये शूज़। और ये देखिए इनकी, ये है इसकी सोल, और सोल ये भी मैंने शूज़ पहने हैं, पहनने के बाद मैं आपको इनका रिव्यू दे रही हूँ। और इसकी जो हील है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ब्लैक कलर के बूट्स हर ड्रेस के साथ जाते हैं, और विंटर्स में आपने ड्रेस डाली है उसके साथ बूट्स डाले हैं तो लुक ही अलग आता है। सो ब्लैक कलर के बूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और जब कंफर्टेबल हो तो भाई मज़ा ही अलग आ जाता है। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल हो के आप आराम से इंजॉय कर पाते हैं। सो ये कंफर्टेबल शूज़ हैं, इससे आप आराम से चल सकते हैं। इनका प्राइस मैं आपको लिंक में नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, और ये भी मैंने आपको रिव्यू दिया है शूज़ पहनने के बाद, बहुत कंफर्टेबल हैं, इन्हें आप मस्टली ऑर्डर करें, क्योंकि विंटर में तो भाई शूज़ बूट्स आपके पास होने ही चाहिए। बहुत अच्छे बूट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल बूट्स हैं, और बहुत रीजनेबल भी हैं। इतने थाइस तक और नीज तक के शूज़ आपको कम से कम 2,000-3,000 में मिलते हैं, और यहाँ पे ये शूज़ आपको अंडर 1,000 मिल जाएंगे। और प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ इतना याद है कि ये 1,000 के अंदर अंदर था। 899 है या फिर 799 है वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सो मैं वो मेंशन कर दूंगी। बट दे बूट्स आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे शूज़ हैं, बहुत अच्छी सैंडल्स हैं। एक मैंने ऑर्डर किए हैं स्नीकर्स इस साइड से अभी रिसेंटली, बट वो स्नीकर्स मेरे पास आए, साइज़ उनका छोटा था, मैंने 40 साइज़ ऑर्डर किया था, बट 40 साइज़ भी मुझे फिट नहीं आया, तो फिर मैंने उसका 41 साइज़ ऑर्डर किया। मेरे पास से वो एक्सचेंज के लिए जा चुके हैं, उनके पिकअप हो गई है, बट मेरी वेबसाइट पे वो शो हो रहा है कि अभी वो पिकअप के, आपने पिकअप कैंसिल कर दी है। मैंने दोबारा डाला तो वो दोबारा पिकअप के लिए आ रहा है, तो ये मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि मैं सारी पेमेंट जो करती हूँ वो कार्ड से करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार मतलब लाइक अभी इतने शूज़ लेने के बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं, अगर फर्स्ट शूज़ के साथ होती तो शायद समझ आता। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको स्ट्रीट स्टाइल को लेके कंफ्यूज हूँ कि आगे परचेजिंग करूँ या ना करूँ, बट अभी तक जितनी ओवरऑल मैंने शॉपिंग की स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से बहुत अच्छी थी। शूज़ नो डाउट बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश है, और बहुत रीजनेबल है। सो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो आपको नॉर्मली ये इतनी कम प्राइस में नहीं मिलेंगे, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील अभी चल रही हैं, लाइक 1100 में आपको 3 पेयर मिल रहे हैं, और 1000 में आपको 2 पेयर मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज से। और बाकी आपको अपने आप सोलो एक एक शूज़ पसंद आते हैं तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है। और इनकी ड्रेसेस में भी बहुत अच्छी रेंज चल रही है, 1000 में 3 टॉप्स वगैरह, इस तरह से इनके पास बहुत सारी अभी इन लोगों ने कैटेगरीज अभी निकाली हुई हैं। सो डील काफ़ी अच्छी है, बट ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे स्नीकर्स अभी तक पिकअप होने के बाद भी अभी एक्सचेंज में नहीं आए हैं वापस मुझ तक, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेके इसको डिसपॉइंट हुई हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ओवरऑल 50-50 है मेरा, आगे आई डोंट नो मैं इससे परचेज करूँगी या नहीं करूँगी, बट वैसे इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो गाइज शूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट आप परचेज कर सकते हैं, डील्स काफ़ी अच्छी हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट मंगवाएं वो कैश ऑन डिलीवरी मंगवाएं, आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें या पेटीएम वगैरह से, बिकॉज हो सकता है कि इस तरह का कुछ आपके साथ भी हो जाए। अदरवाइज साइट बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, डील में बहुत बढ़िया बढ़िया डील्स आपको मिलेंगी। सो यू कैन चेकआउट, एटलीस्ट देखना तो बनता ही है ना कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन, एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।